हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने 1 वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना, क्योंकि ये उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपसे वो बन गया तो समझ लो ये भी बन गया। इन वीडियोज़ का लिंक और जो मैं आगे वीडियोज़ बनाऊंगा ना, उन सभी का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोज ऑफ चैप्टर 13 में क्लिक करना, तो इस चैप्टर के आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको रीड करके समझते हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि कोन का अपने को कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया है और उसका जो स्लैंट हाइट है वो भी हमको बता दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, पहले तो उसका रेडियस फाइंड करना है बेस का, और जब रेडियस मिल जाए तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये तो एकदम ईजी है। अगर अपने को रेडियस मिल गया तो स्लैंट हाइट दिया ही हुआ है, हम लोग जानते हैं फिर टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला, उसमें हम लोग पुट करेंगे और ये निकाल लेंगे। मेन है यहाँ से रेडियस निकालना। तो आइए कैसे इसे फाइंड करना है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लो कि आपको दिया क्या गया है, जैसे कि अपने को स्लैंट हाइट दे दिया गया है क्वेश्चन में और कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया है। अब हम जानते हैं क्या है कि जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो यही देखो, अपने को पाई आर जो एल है ना, इनकी वैल्यू ही अपने को 308 सेंटीमीटर की स्क्वायर दी गई है, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि कर्व सरफेस एरिया इतना है। इसका मतलब कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी इसके इक्वल में होगा। तो बस ये फॉर्मूला हमने लगाया, इक्वल में लिख दिया 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू आप सभी जानते हो 22/7 होता है, आर की वैल्यू अपने को पता नहीं है, वही तो निकालना है। और जो एल है वो हमारे पास कितना है, स्लैंट हाइट को ही एल बोला जाता है, तो स्लैंट हाइट हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर अपन 14 लिख लेते हैं, इक्वल टू उस साइड में आप कर दो 308। अभी सेंटीमीटर का स्क्वायर वगैरह मैं आपको बाद में समझाऊंगा, उसको आपको कैसे करना है। अब यहाँ पर ये दोनों मेरा कट हो रहा है, तो पहले मैं कट करूंगा, 7 × 7 = 7, 7 × 2 जो हो जाएगा मेरा 14। अब चूंकि मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है, तो इस 22 और ये 2 दोनों को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो R इक्वल टू हो जाएगा मेरा 308, और देखो ये दोनों इधर न्यूमिरेटर में थे तो इधर आकर के दोनों डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। 22 × 2 जो थे ना न्यूमिरेटर में थे, इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो गए। अब एक चीज़ देखो, मैं पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आपको ये यूनिट जो है ना वो रटना नहीं है, कि यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं रटना। आपको समझना है कि वैसा क्यों हो रहा है। तो देखो, इधर हमारे पास ये सेंटीमीटर का स्क्वायर था ना, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर का स्क्वायर। इधर जो था हमारा, ये आर तो हमने इधर लाया नहीं है, केवल ये हमने जो भी 14 जो था वो क्या में था, सेंटीमीटर में था। तो 14 की जो वैल्यू कट होने के बाद बची 2, उसको मैंने इधर लाया है। इसका मतलब ये जो 2 है वो सेंटीमीटर में है, तो 2 सेंटीमीटर को मैं नीचे लिखूंगा। तो उससे होगा क्या कि 1 सेंटीमीटर नीचे का और ऊपर का 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा। तो नीचे तो पूरा खत्म हो गया, ऊपर में केवल हमारे पास 1 सेंटीमीटर बचेगा। इसीलिए जो हमारा रेडियस निकलेगा ना वो सेंटीमीटर में निकलेगा, ये ध्यान रखना। इस तरीके से यूनिट भी आपस में सॉल्व होते हैं, इसको रटने का बिल्कुल भी नहीं। तो चलो जल्दी सब आगे हम सॉल्व करते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं। ये दोनों मेरा 11 से कट हो रहा है, 11 से मैं कट कर देता हूँ। देखो इस तरीके से ये हो जाएगा 11 × 2 = 22, ऊपर में 11 × 2 = 22, बचेगा हमारे पास 8, वो या 8 आगे जाकर 88 बना देगा। तो 11 × 8 = 88 हो जाएगा। नीचे देखो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 4 × 7 = 28 होता है, तो मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ 2 × 2 = 4 है ना, और ऊपर में हमारा 4 × 7 = 28। बाकी आप एक एक करके भी काटोगे तो देखो 2 × 14 पहले हो जाएगा हमारा 28, और फिर उससे जो 14 आया है उसको फिर 2 से काटोगे तो 7 ही आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर निकलेगा आपको फाइनली। तो ये हमारा रेडियस निकल गया, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है कोन का, उसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि पाई आर और एल प्लस आर होता है, यही इसका फॉर्मूला है हमारा टोटल सरफेस एरिया का। तो बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो, पाई की जगह में 22/7 कर देते हैं, आर की जगह में अभी हमने आर कितना निकाल लिया 7 निकाल लिया, ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो एल हमारे पास है 14 और प्लस में आर हमारे पास फिर वही 7 हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा ये। तो 7 से हमारा 7 कट हुआ, ये हो जाएगा 22 × 14 और 7 को अगर अपन प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करो और इसका जो हमारा टोटल सर्फेस एरिया है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि आपसे इसका टोटल सर्फेस एरिया कितना निकलता है। मेन काम मैंने आपको कर दिया है, बस आपको जल्दी से मल्टीप्लाई करना है। अब चलेंगे हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है ना उनको भी मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।